रहेंगे हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे नजदीकियां या हो दूरियां बस प्यार ही रहेगा दरमियां नहीं धूप का हम ठंडी छाया देगा हरदम पवित्र रिश्ता पवित्र रिश्ता तेरे मेरे मन का पवित्र रिश्ता पवित्र रिश्ता तेरे मेरे मन का दादा महागाई काय वाढली बाबा बाबा ही मागे आभा लावून टेकली आहे सब्जी खरीदना मतलब आम आदमी के लिए मानो पाप हो गया है भिंडी लाई हाँ ये क्या है मेरी मंदू की पसंद की है उसके लिए बनाऊंगी जब तक आई के घर पे उसे जो जो अच्छा लगता है वो सब करके दूंगी पता नहीं फिर कब आना होगा बोला इतना आए तो पर्यंत हाउस माउस पुरवून घेतीची उसको जो चाहिए वो उसे दे देना इन चार दिनों में तुम उसे जो खुशी दोगी उसके सहारे वो चार महीने निकाल सकती है वहां आज मैं पता है कविता मैं आज रास्ते में चलते चलते बहुत हंस रहा था कल का तुम्हारा नाच मुझे याद आ रहा था क्या नाच रही थी तुम हाँ सविता कल तो तुम्हारी बात ही कुछ और थी बहुत खुश नजर आ रही थी तुम सचमुच कल मैं बहुत खुश थी वहाँ मुझे जो मान सम्मान मिला सुलोचना ताई ने मेरे साथ इतनी प्यार से बातें की अगली पिछली सब कसर निकाल दी में नाची वो मेरे मर्जी के अनुसार सचमुच में बहुत खुश थी बहुत खुश थी तुम्हारी खुशी और नाच देख के रसिका ताई का मुंह इतना सा हो गया था मालूम है तू क्या आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही है गाने का सुन के तू यहाँ नाचना शुरू मत कर रहा जा जा तैयारी कर कल तेरी बहन की शादी है ना तू हमारे साथ आने वाली है या हमेशा की तरह तेरा नहीं आई चलूंगी सतीश एक मिनट कुछ जरूरी बात करनी है एक मिनट क्या हुआ सतीश कल ना मेरी रसिका ताई से बात हुई थी उस बात को सुनकर ना मैं बहुत परेशान हूँ क्या बात है मुझे यकीन तो नहीं है लेकिन फिर भी ये घुमा फिरा कर क्यों बोल रही हो जो भी कहना है साफ साफ बोलना क्या कहा रसी बताएंगे देखो मैं अरुण की बातों को इतना ज़्यादा गौर देता नहीं ठीक है लेकिन तेरी तसल्ली के लिए सुनूंगा मुझे गलत मत समझना मैं बस भाई क्या बात क्या है कुछ बोलो प्लीज सतीश वो वर्षा के अतीत को लेकर कुछ वर्षा के अतीत में क्या हुआ है क्या नहीं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन सतीश भाई हर इंसान का एक अतीत होता है वर्षा का भी हो मेरा भी
लेकिन हम अतीत की बातों को लेकर के अपने आज को खराब करें तो हो सकता है। भाई वर्षा आज हमसे जुड़ने जा रही है, तो मेरे लिए आज कैसे कल कैसे ये ज्यादा मैंने रखा है। इसके अतीत के पन्नों को खोल के कोई फायदा नहीं। मेरी बात सुन के ना मुझे बहुत तसल्ली हुई, दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। तेरी खुशी से बढ़कर ना मेरे लिए और कुछ नहीं है। अगर तू खुश है ना तो वर्षा के अतीत से मुझे मुझे कोई लेना देना नहीं है। सोचा था भावना दाई को अगर वर्षा के अफेयर के बारे में पता चल जाएगा तो बहुत बड़ा हंगामा होगा, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। इस खुशी के माहौल में कहीं ना कहीं तो ब्रेक लगा लाई होगा। आई छोड़ना, अब कुछ नहीं होगा। कल शादी है वर्षा की, कल बधाई देकर चुपचाप वापस आ जाएंगे। नहीं बेटा, तेरी आई इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। 24 घंटे हैं मेरे पास, पर 24 घंटों में तो यहाँ की दुनिया वहाँ होती है, तो शादी क्या चीज है। बस उस वर्षा के बॉस के बारे में मुझे मसालेदार जानकारी मिलनी चाहिए। मंजू बताएगी उसके बारे में। वहीनी, मैं काम करती हूँ, मैं फोन पकड़ती हूँ, आप बात कर लीजिए। अरे आपकी आई का फोन है। हाँ बोल। कैसी है तू? मैं ठीक हूँ आई, किचन में हूँ, बस खाना बना रही थी। हे भगवान, पता नहीं क्या क्या करवाते रहते तेरे घर वाले तुझसे। तू बहू कम और नौकरानी ज्यादा यूज कर ले। मुझे एक बात पूछनी थी तुझसे, तू वर्षा के पहले अफेयर के बारे में जानती है ना? उसके बॉस के बारे में कुछ बता सकती है तू? मैं अभी बिजी हूँ, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ, तू फोन रख। क्या हुआ? शायद उसके घर वाले आसपास थे, पता ही नहीं पाए। हेलो अर्चना, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं मानो? और घर में सब सब कैसे हैं? घर में तो बहुत भागदौड़ मची होगी ना, सब इधर से उधर भाग रहे होंगे। देखते देखते शादी का दिन कितना नजदीक आ गया ना। हाँ, और हमारे यहाँ तो शादी के पहले इतनी सारी रस्में होते हैं। आज घर पे वर्षा का केलवन था, ठीक से हुआ, बस तुम्हारी कभी महसूस हो रही थी। जानती हूँ माना, लेकिन सिर्फ आज रात की तो बात है, कल तो मैं आ ही रही हूँ शादी में। हाँ अर्चना, वो इसी के बारे में तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहिए। वर्षा चाहती है कि उसका कन्यादान हम दोनों करें। वर्षा चाहती है कि उसका कन्यादान हम दोनों करें। लेकिन लेकिन आई बाबा? आई बाबा भी सहमत। अर्चना देखो, ऐसे हम दोनों का एक साथ इस वक्त किसी फंक्शन में शामिल होना सही नहीं है, लेकिन लेकिन अर्चना पता नहीं मैं भी मना नहीं कर पाया। ये वर्षा बिना कभी भी कुछ भी इसे कैसे मानव मतलब। नहीं अर्चना, वो वर्षा चाहती है कि हम दोनों पति पत्नी के रूप में ये रस्म निभाए, क्योंकि वो कह रही है कि शायद ऐसा मौका फिर नहीं मिले। तो अर्चना तुम कल सबको लेके आ जाना, हमें हम कन्यादान करेंगे।
मालूम। ठीक है। वर्षा चाहती है कि हम दोनों पति पत्नी के रूप में ये रस्म निभाए, क्योंकि वो कह रही है कि शायद ऐसा मौका फिर नहीं मिले। ये ले। ये आंखें पाड़ पाड़ कर क्या देख रही है? पहली और आखिरी बार दे रही हूं मैं, दिल से दे रही हूं। इसका मतलब ये मत समझ कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ। ये व्यवहार है और मैं व्यवहार निभा रही हूँ। वंदु की शादी ने बहुत कुछ सिखा दिया। अरे ले ना, मेरे हाथ दर्द करने लगे, ले। जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आपसे कुछ मांगू आज? ऐसा मत मांगना जो मैं तुझे दे ना सकूं। जो मैं आपसे मांगने वाली हूं वो सिर्फ आप दे सकती, और कोई नहीं। आई कल वर्षु की शादी है, और वर्षु चाहती है कि मैं और मानव उसका कन्यादान करें। कल मैं कन्यादान विधि में बैठते समय अगर ये मंगलसूत्र पहनूं तो क्या कर रही है? जो तूने सवाल पूछे थे उसका जवाब तो सुन ले जा। ये मंगलसूत्र तू कल वर्षा की कन्यादान विधि में पहनेगी।
मैं समझा दूंगी उसे। श्रावणी मेरी बात समझानी आई हो मुझे? मुझे कुछ नहीं समझना, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम मुझे मेरे हाथ में छोड़ दो, जाओ यहाँ से। श्रावणी मेरी बात सुनो। श्रावणी क्या सुनू? हाँ क्या सुनू? तुम फिर से वही बात लगाना शुरू कर दोगी ना? श्रावणी मानव तुम्हारे, मैं तुम्हारे और मानव के बीच नहीं आना चाहती, तो तुम छोड़ क्यों नहीं देती उसको मेरे लिए? क्यों तुम नहीं देवता तरीके अपनाती हो फिर अपनी तरफ खींचने के? लेकर घूमने वाली औरत मैंने आज तक नहीं देखी, जो एक तरफ तो बढ़पन का दिखावा करती है और दूसरी तरफ अपने स्वार्थ के लिए किसी भी ऊपर देख सकती है। नहीं श्रावणी, तुम मुझे गलत समझ रही। मैं सिर्फ कन्यादान विदिता की मंगलसूत्र पहनना चाहती थी, बस और कुछ नहीं। तुम ना मेरे सामने नाटक करना बंद करो, अपनी बकवास भी। ये बकवास नहीं है श्रावणी। तू मानव की पत्नी होने वाली है, यही सच है। और इस बात को लेके इस घर में कोई दुविधा नहीं है। ये देखो, ये मंगलसूत्र मैंने तुम्हारे लिए बनवा के रखा है। मानव के साथ शादी होने के बाद तू ये पहनेगी, लेकिन अर्चना के मंगलसूत्र के लिए बोलने का हक तुझे नहीं है, इतना ध्यान में रख। तू क्यों खड़ी है यहाँ? तू जा। श्रावणी तुझे मेरी बात पे यकीन है या नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन अर्चना को मंगलसूत्र पहनने की इजाजत मैंने दी थी, क्योंकि वो वर्षा की कन्यादान विधि में बैठने वाली थी और इस विधि में गला खाली लेकर बैठना अशुभ माना जाता है, और मैं नहीं चाहती कि वर्षा की शादीशुदा जिंदगी में कोई अशुभ साया पड़े। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता तुझे डर किस बात का है? मैंने तुझे अपनी बेटी कहा और अपनी बेटी को दिया हुआ वादा कोई आई तोड़ सकती है? बहुत अच्छा लगा आपने श्रावणी को बेटी का, किसी भी बहू को अपनी सास के मुंह से उसे बेटी बोलते हुए सुनने से ज्यादा खुशी और कुछ नहीं होती। थोड़ा जल्दी हाथ चलाओ। भाई वो तरुण से केटरिंग के बारे में बात हो गई, प्राइसेस और मेनू डिसाइड हो गए, उसने कुछ 20% का डिस्काउंट दिया है और पूरे एक महीने का क्रेडिट, इसलिए मैं वो बस। मानो रुको, मैं सुबह से देख रही हूँ तुम कुछ ना कुछ काम किए ही जा रहे हो, जरा भी आराम है? बस बहुत हो गया, अभी बैठो आराम करो, थोड़ी देर के बाद काम। भाई शादी सर पर है, आप आराम कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे काम बाकी हैं। मैं जानती हूँ ना, लेकिन भाई अपनों की शादी बार बार थोड़ी ना होती, एक बार वर्षा की शादी अच्छे से हो जाए उसके बाद जितना चाहे उतना आराम कर लूंगा। अच्छा बाबा आते हैं ना, तुमको प्लीज केटरिंग वाली बात बता देना, ठीक है? अरे कुछ खा तो लो ना। आप कुछ बना के रखो, मैं आके खा। तुम भी ना। जिस दिन से मानव और अर्चना के रिश्ते में प्रॉब्लम शुरू हुई तब से लेकर आज तक मैंने आपसे एक ही प्रार्थना की कि अर्चू और मानव जल्दी से जल्दी अलग हो, लेकिन आज पहली बार मैं आपसे विनती कर रही हूँ कि इस रिश्ते को टूटने मत दीजिए, इस रिश्ते को बनाए रखिए।